नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बागवान भाई, हम आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिजौरा यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर हमारा शेड्यूल था, कुल्लू से हमारे को भेजा गया है। तो बागवान भाई, आज हमने जो सीखा डॉक्टर जयंत जी से, काफ़ी नॉलेज उन्होंने हमें दिया, काफ़ी अच्छी फंजीसाइड, इंसेक्टीसाइड और पेस्टिसाइड जैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हमारा आज का दिन रहा। और उन्होंने थोड़ा रूट स्टॉक के बारे में भी हमारे को इंफॉर्मेशन दी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, M9 रूट स्टॉक है, M9 रूट स्टॉक स्कारलेट्स पर टू, स्कारलेट्स पर टू का काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। हमने काफ़ी सारी वेराइटीज़ को यहाँ पर देखा, का सेमिस पर या पर काफ़ी अच्छा नॉलेज डॉक्टर जयंत जी ने हमें दिया। तो देखिए, जो रूट स्टॉक है या सीडलिंग है वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। क्वालिटी के लिए M9 रूट स्टॉक काफ़ी बेस्ट है और को सहारे की ज़रूरत होती है। जो M9 रूट स्टॉक, इसके लिए ट्रायलस आपको सबसे ज़रूरी है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सपोर्ट सिस्टम, ये सपोर्ट मांगता है। जो आपका MM111 है, 793 सेल्फ स्टैंडिंग है। तो M9 में हम देख सकते हैं टॉल स्पिंडल सिस्टम अपनाया हुआ है। टॉल स्पिंडल में ये होता है क्या जी, एक लीडर बाकी सारे ब्रांचेस पैरलर होती है, उनको बैंड करना होता ताकि लीडर को कंपटीशन ना दे, इसलिए इनकी ब्रांचेस को बैंड करना होता है। ये आप देख सकते हैं, लीडर को कंपटीशन दे रहा है और ये इसका लीडर है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि M9 में कोई भी ब्रांच फ्यूचर ब्रांच नहीं होती है। इसको हमें डस्ट कर देना होता है ताकि वहाँ से न्यू शूट आ जाए। और देखिए, आप इस टाइम मल्चिंग उठा, हमने निकाल, हॉर्टिकल्चर वालों ने निकाल दिया, हमने तो हॉर्टिकल्चर वालों ने इसमें गोबर ऐड किया है। गोबर हमें डॉर्मेंसी स्टेज पर ही ऐड करना होता, वो भी कच्चा गोबर नहीं, गोबर एक साल पुराना सड़ा हुआ गोबर काफ़ी बेस्ट रहता है इसके लिए। ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ावा देने के लिए गोबर काफ़ी अच्छा है। तो बागवान में आप देख सकते हैं, इसमें ड्रिप M9 जब भी आप लगाएं, ड्रिप के बिना आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते। ड्रिप एक इसका रीढ़ की हड्डी है, जैसे पानी माने तो सबसे ज़रूरी है M9 के लिए। और ट्रायल सिस्टम आप देख सकते हैं, सेल्फ स्टैंडिंग नहीं है ट्रायल, इसमें वायर लगाई हुई है इन्होंने और साथ ही साथ ये पोल इसको स्टैंड करने के लिए। तो बागवान भाइयों, डॉक्टर जयंत ने रूट रॉट के बारे में भी बताया, रूट रॉट की काफ़ी सारी समस्या हमारे दिनचर्या में आ रही है ऑर्चर्ड में, जिसके जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, खासकर जहां हमारा मॉइस्चर लैंड है। सनी में उतना नहीं है पर बट फिर भी हमारा सनी में रूट रॉट का भी थोड़ा इशू रहता है। तो रूट रॉट के लिए आप ऐड कर सकते हैं, जैसे फाइटोफ्थोरा है या डीमेटाफोर, उसके लिए ट्राइकोडर्मा काफ़ी बेस्ट है दोनों पर। तो बागवान भाइयों, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप M9 लगाना चाहते हैं तो एक वर्जन लैंड हो, रीप्लांटेशन साइड ही सर्वाइव नहीं हो सकता, वर्जन लैंड हो। और दिशा आपको निर्धारित करनी है M9 के लिए नॉर्थ से साउथ। M9 हो या कोई भी आपका जो कोई भी आप प्लांटेशन करते हैं, तो आपके डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आप देख सकते हैं प्लांट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब प्रूनिंग के लिए इन्होंने छोड़े, प्रूनिंग अपने शेड्यूल के हिसाब से करेंगे। इस पर भी काफ़ी अच्छा इसमें बना है, जैसे टॉल स्पिंडल सिस्टम इन्होंने अपनाया हो, जिसको हम जो मैंने पहले भी बोला, इसको रिमूव करना होगा ताकि, क्योंकि ये इससे डबल हो चुकी है, क्योंकि लीडर को कंपटीशन दे रखी। देखिए आप, लीडर की जो है ग्रोथ रुक गई है और साइड ब्रांच की ग्रोथ ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी, और नाशपति के भी काफ़ी वैरायटीज़ है आप देख सकते हैं। पावर भाई, ये देखिए वैरायटीज़ नाशपति की, जो पेकम की पर अनदर जो भी वैरायटीज़ है, और डिपार्टमेंट ने सभी अवेलेबल है। तो इसी के साथ बागवान।